आप कभी टीचिंग फील्ड में भी रहे हैं, कभी ट्यूशन पढ़ाया हो या बच्चे पढ़ाए हो, मतलब कहीं ना कहीं कहानियां ऐसी हैं क्या? कुछ ड्रामेटिक्स में कभी फेल हुए, रिजेक्ट हुए ऑडिशंस में? बच्चे आईटीज में रिजेक्ट होते हैं, उनका वो ड्रीम आपका ड्रामेटिक्स ड्रीम, करेक्ट? वो तो जैसे तुम निकलोगे, जैसे तुम किसी किसी चीज को पैशन मान के निकलोगे तो बहुत सारे फेलियर्स और रिजेक्शंस आएंगे। जब आप एक चीज में फेल कर रहे हो और स्विच कर रहे हो, तो आपको थोड़ी दिन के लिए कटना चाहिए लोगों से, अपना काम वापस से उसी ईमानदारी से दूसरी जगह फिर से एफर्ट करो। करेक्ट, हो सकता है कुछ और करने के लिए बने थे ना लाइफ में। हाँ, बिल्कुल भी शर्म नहीं कर। कोई मुझसे पूछेगा कि कैसे क्रैक किया या कैसे हुआ, यहाँ तक कैसे पहुंचे, क्या है मंत्रा, क्या है, तो यही किया तो यही मैं बता पाऊंगा कि बस हाथ पर चलाते रहो, कुछ तो क्लिक करेगा। 11th काफी डिफिकल्ट रहा, खूब रोते थे हम लोग, हर दूसरे दिन बैठ के रोते थे कि अरे यार कहाँ गए, इससे अच्छा आर्ट्स लेके यूपीएससी की तैयारी कर लेते, बाद में बीए कर लेते। ये सारे हम लोग को पता है कि आईटी में सिलेक्शन लास्ट में इतनों का ही होना है, और तैयारी से लोग कर रहे हैं। जो लोग नहीं सिलेक्ट होंगे उनके लिए क्या कहोगे आप? तो हाय जीतू भैया, जैसा कि लोग आपको जीतू भैया बोलते हैं, तो मैं भी जीतू भैया एड्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स भी आपको जीतू भैया ही बोलते हैं सारे, और काफी क्रेजी फैन फॉलोइंग आपकी डेवलप है ऑडियंस में, और जो कि होना चाहिए था, आपकी इयर्स ऑफ हार्ड वर्क है, हम लोग आपको पिक्चर्स टाइम से देख रहे हैं, काफी पहले टाइम से। काफी बढ़िया आपकी जर्नी रही, अमेजिंग जर्नी है, मूवीज भी कर रहे हैं आप, स्टार बन चुके हैं, बट जो स्टूडेंट्स लाइफ पे आपने इम्प्रेशन छोड़ा है पिछले मेरे ख्याल से 3-4 साल के अंदर, वो काफी कमेंडेबल है, और जिसकी वजह से आप पूरी हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी में, मतलब शाहरुख खान है स्टूडेंट कम्युनिटी के, आप उससे कम नहीं है इस समय। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डज इट फील लाइक, मतलब बीइंग एन एक्टर, आप एक्टर तो काफी टाइम से हो, बट सडनली ये स्टूडेंट कम्युनिटी में आपका ये अचानक से बढ़ा हुआ प्यार, तो इसके क्या इम्पैक्ट हुए लाइफ में, कैसे चेंज हुआ, इसके बारे में कुछ बात करें? मतलब आई थिंक सेल्फ रियलाइजेशन ही है यार, मतलब जैसे मुझे पता चला कि मतलब इतना ज्यादा मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया, जेन्युइनली पूछो तो, कि कोटा फैक्ट्री को इतना प्यार मिलेगा या जो उसका कैरेक्टर है जीतू भैया उसको लोग इतना प्यार करेंगे, वो मैंने कभी सोचा नहीं था। तो वो हुआ तो मुझे पता चला कि एक्चुअली मुझे ये लगता है कि मेंटोरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी इंसान के लिए, ठीक है, और उसकी शायद शायद कमी है इंडिया में, मतलब वो सही मेंटोरशिप मिलना। मुझे लगता है कि मेंटोर्स बहुत सारे हैं, टीचर्स बहुत सारे हैं, बट वो जो कनेक्शन डेवलप जो होता है स्टूडेंट और मेंटोर के बीच या स्टूडेंट टीचर के बीच, उसकी बहुत ज्यादा कमी है। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा रीजन है इस रेज का और इस प्यार का, कि जो इस कैरेक्टर को मिलता है, कि सबको वैसा एक इंसान चाहिए जो उनसे कनेक्ट करे लेवल पे। एंड मतलब मुझे लगता है कि हैं काफी सारे लोग हैं, आई थिंक आप काफी पॉपुलर हो बच्चे आपको काफी पसंद करते हैं एज अ टीचर, एज अ मेंटोर। क्या आप कभी टीचिंग फील्ड में भी रहे हैं, कभी ट्यूशन पढ़ाया हो या बच्चे पढ़ाए हो, मतलब कहीं ना कहीं कहानियां ऐसी हैं क्या कुछ? हाँ यार, मतलब मैं आया 2013 में, मैंने जॉब छोड़ा था बैंगलोर से, तो मुझे ये पता था कि हाँ मतलब स्टार्टिंग में एक्टिंग से पैसे कमाना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तब मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ, तब किसी ने सजेस्ट किया कि अरे तू पढ़ा ले, फिजिक्स पढ़ा ले। तो मैंने यहाँ पे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जाके मैंने फिजिक्स पढ़ाना शुरू किया, और तब तक मुन्ना जज्बात ही आ चुका था। तो यहाँ पे जो टीचर्स का जो सिलेक्शन है वो भी काफी टफ होता है, तो मुझे तो ये लग रहा था कि मैं उस शायद जो सिलेक्शन प्रोसेस है टीचर का उसी में शायद रिजेक्ट हो जाऊंगा। तो वहां पे मैं मिला लोगों से, उन्होंने पहचान लिया अरे मुन्ना जज्बाती, तो उन्होंने डायरेक्ट मुझे एक बोल दिया कि आप पढ़ा लीजिए सर, आपको अगर बच्चे आपको पसंद करेंगे तो आप सिलेक्ट हो जाओगे, आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। तो मेरे लिए वो बड़ी अच्छी चीज हुई कि मेरा सिलेक्शन एक्टिंग के थ्रू हो गया, कि हाँ लोगों ने पहचान लिया अरे आप मुन्ना जज्बाती हो तो आप जाके क्लास ले लो। और आई थिंक वो कहीं काफी दूर, सीधा डेमो क्लास मिल गया आपको। हाँ, तो एक दूर काफी सेंटर था यहाँ से, वहां पे कोई पढ़ाना नहीं चाह रहा था, मैं गया वहां पे, एंड आई थिंक हाँ बच्चों को मैं पसंद आ गया थैंकफुली, और मैं पढ़ाने लग गया। तो मैंने 2 साल पढ़ाया है, लाइक 2013-14 एंड 14-15, ये 2 साल मैंने पढ़ाया है फिजिक्स। आप 2 साल टीचर रहे हो? हाँ, मैं 2 साल टीचर रहा हूं। आपने फिजिक्स पढ़ाई है आईआईटी एस्पिरेंट्स को? यस यस यस, मैं काफी अलग किस्म का टीचर हूँ, और जो लिखा है जो सौरभ खन्ना, अभिषेक यादव, इन लोगों ने जो सीजन 1 लिखा था, तो वो काफी अलग टीचर सोच के लिखा था उन्होंने, मतलब वैसा मैं नहीं रहा हूँ और वैसे मैंने देखे भी नहीं है। जब मैं कोटा में था तो उस तरह के टीचर्स नहीं हुआ करते थे, लाइक 200-200 बच्चों की क्लासेस होती थी और टीचर्स आते थे, टीचर्स सुपरस्टार जरूर होते थे वहाँ पे, मतलब लाइक सबसे बड़े होते थे वो, और थोड़ा सा कनेक्टिविटी मिसिंग थी लाइक उन कोचिंग इंस्टीट्यूट में ना कोटा में, कि थोड़ा सा बहुत ज्यादा बच्चे डरते थे कि हम कैसे अप्रोच करें टीचर को। कुछ लोग होते थे जिनको कॉन्फिडेंस होता था अपनी पढ़ाई पे कि हाँ हमें सब आ रहा है और हम जो क्वेश्चन पूछेंगे वो स्टूपिड नहीं लगेगा, तो वो ही लोग अप्रोच कर पाते थे, अदरवाइज तो आधे लोग तो डाउट्स में ही
मर जाते थे कि अरे यार नहीं नहीं बहुत डर लगता है बच्चों को अपने बात पूछने में, एक शर्म आती है और मैं बेवकूफ से धो जाऊंगा सबके सामने, आई विल बी प्रूवन एज अ फूल तो लगता है, वो और इस बहुत डर में बड़ी बच्चे काफी क्वेश्चंस नहीं पूछते। 15-16 में स्टार्ट कर दिया था ऑनलाइन भी, लाइक 16 में. सर स्टार्ट मैंने जैसे आपने भी कंटिन्यूअस एफर्ट मारे, फिर जॉब की तरफ आप गए, फिर वापस आए, सो वही चलता है। मैंने 15 में वीडियोस डाले, नहीं चला, फिर वापस ऑफलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया, फिर 16 में डाला, नहीं चला, फिर ऑफलाइन में घुसा रहा, फिर 17 मैंने कहा मैं डालूंगा साल भर जो भी हो, तो पूरे एक साल वीडियो डालने पे 10,000 सब्सक्राइबर मिले पूरे एक साल भर मिला के, मतलब नो रिकग्निशन है, नो बिग रिकग्निशन, पर मेरे लिए उतना काफी था। तो 50 व्यू आ जा रहे हैं, 200 व्यू आ जा रहे हैं, दैट इज इनफ फॉर मी एट दैट टाइम। बट फिर स्टिक कर गए थे कि नहीं अब करना तो यही है, फिर ये डिसाइड कर लिया था कि अब रुकना है इस पे। फिर उसके बाद कोचिंग छोड़ के पूरा फुल टाइम इसको करना स्टार्ट किया, फिर लाइक कि अब करते हैं पूरी तरह से इसको, चलेगा चलेगा वरना देखा जाएगा। बट यस एज इंडियंस वी ऑलवेज लुक फॉर स्टेबिलिटी फर्स्ट, मेरा भी यही था, कुछ नहीं चलेगा तो वापस जाके पढ़ाऊंगा फिर ऑफलाइन। वो ऑप्शन हमेशा रखना पड़ता है हमें, वो वाली चीज है। ड्रामेटिक्स में कभी फेल हुए, रिजेक्ट हुए ऑडिशंस में? बच्चे आईटीज में रिजेक्ट होते हैं, उनका वो ड्रीम आपका ड्रामेटिक्स ड्रीम, करेक्ट, वो तो उसको जैसे कैसे तुम कोप अप किया, निकलोगे, कभी जैसे हुए? ही तुम किसी किसी चीज को पैशन मान के निकलोगे तो बहुत सारे फेलियर्स और रिजेक्शंस आएंगे, और वो तो बिल्कुल घुसते ही पता चलता है तुम्हें। और मतलब इसी वजह से मैं काफी डिसअपॉइंट भी हुआ, चीजें नहीं मिल रही थी, और मैं बहुत कम टाइम में काफी सारी चीजें एक्सपेक्ट कर रहा था। लाइक मुझे लग रहा था कि मैं जाऊंगा और मतलब ठीक है, मतलब नए हैं बट उतने बुरे नहीं है, चीज आती है कर लेंगे, वो वाला एक कॉन्फिडेंस लेके मैं गया था, जो शायद कुछ शुरू के 7-8 दिन में ही चकनाचूर हो गया था। ठीक है, मतलब लाइक हम लोगों का उसका बहुत बेसिक सा रीजन ये था कि हम लोगों ने पहला वीडियो जो हमारा वायरल हुआ था राउडीज करके, वो बहुत मेजर वायरल था। ठीक राउडीज है, मतलब हाँ, उसको शायद मिलियन लोगों ने देख लिया था कुछ 3-4 दिन में। और सेकेंड वीडियो जो आया था वो मेरा था, सेकेंड वीडियो मेरा था, हर एक फ्रेंड जरूरी नहीं होता है। ठीक है, और उसके अच्छा कुछ व्यूज ऐसे ही थे जैसे आप बता रहे हो ना, कि 1,000-10,000 और वो मिलियन से और सीधा 10,000 पे आना और ही, इंसान तो ना जब काफी वीडियो डाल के रात में सोता है तो सोचता है अगले दिन वायरल हो जाएगा सुबह, अगले यही दिन उम्मीद से वायरल आने सोता के। है वो हाँ, रात को सोता है 3 बजे कमेंट पढ़ के कि हाँ सही सही जा रहा है, लोगों को अच्छा लग रहा है, सुबह हाँ उठेंगे तो एक बड़ा नंबर हाँ दिखेगा हमें। ठीक है, और वो नहीं दिखता है तो बड़ा, हाँ हाँ बड़ा बड़ा ही डिसअपॉइंट होते हो तुम कि क्या हो गया, और तुम्हारी आंखें खुलती हैं कि यार ये शिट ये क्या हो गया। तो वो हुआ मेरे साथ, और तो थोड़ा सा डल हो गया मैं अपनी लाइफ में ना, वो आया और आते ही एक पहला वीडियो किया और जो ठीक से पसंद नहीं आ रहा है लोगों को, तो फिर और भी कुछ कुछ वीडियो शूट किए, मुन्ना जज्बाती किया, फिर वहां मुन्ना जज्बाती बहुत सारे लोगों को पहले दिखाया फॉर फीडबैक, तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया कि अरे यार ये क्या है। तो वहां से वो लगा कि यार शायद मैंने काफी सारी चीजें ज्यादा एक्सपेक्ट कर ली, पहले मुझे सीखना चाहिए, पहले मुझे कहीं किसी अच्छे प्रोफेशनल एक्टिंग स्कूल से जाके ये चीज सीखनी चाहिए। तो फिर मैंने अप्लाई किया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अप्लाई किया, जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है एक्टिंग के लिए, थिएटर के लिए, और फिर वहां पे भी नहीं हुआ। ठीक है, वहां पे भी वो रिजेक्शन बड़ा खटका था, मतलब जब तुम, एनएसडीज हाँ तो जब, मतलब रियली रियली हार्ड टू क्रैक, मतलब सो हाँ वो इशू है, मुझे लगता है कि मतलब आई इस थिंक वर्ल्ड मनोज में, वाजपेयी आल्सो कुडंट क्रैक एनएसडी ना, हाँ, आई थिंक आई नहीं हर्ड कि समन वो मनोज वाजपेयी और हाँ समन काफी आई टाइम थिंक तक हाँ नहीं क्रैक कर पाए थे, बट ही स्टार्टेड, आई हाँ हर्ड कि स्टार्टेड हाँ टीचिंग देयर। ठीक है, लोगों ने उनको पढ़ाने के लिए बुला लिया था कि हाँ भाई राइट 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 तुम इतने अच्छे राइट हो कि तुम पढ़ाओ। राइट राइट सो आई थिंक ये स्टोरीज मैंने भी सुनी है You एज didn't मतलब get जो, into NSD, still you are getting films, still you are a famous and established actor now, मतलब of course recognized actor, so that again proves कि मतलब you changed your path but you didn't change your destination ना। हाँ मतलब बेसिकली वही है, तुम करते रहो तो लक भी थोड़ा साथ देता है, करते रहोगे तो, मुझे ऐसा लगता है, ये इस फील्ड में मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है। और आई थिंक हाँ, तो मैं वापस आया, मैंने वापस, तब तक आई थिंक 1 साल हो चुका था टीवीएफ को स्टार्ट हुए, एंड टीवीएफ तो काफी डेवलप कर चुका था ब्रांड्स वाइज, एंड एंड हाँ मतलब पैसे वगैरह भी आने लग गए थे, तो वो वाली चीज फिर मैंने तब दोबारा ज्वाइन किया टीवीएफ, तो चीजें काफी अलग थी जो 1 साल पहले थी, तो अभी देन काम भी बहुत पिक्चर्स था। हैपेंड। हाँ, पिक्चर्स हैपेंड इन 15, मतलब उसके लिए भी काफी गैप था, लाइक मैंने 2013 में दोबारा ज्वाइन किया एंड 15 में पिक्चर्स हैपेंड, सो 2 साल तक हम बहुत सारे छोटे वीडियो स्केचेस वो बनाते रहते थे, और उनमें काफी मजा आता था, मतलब वो काफी हम लोग ऐसा एक्साइटिंग टॉपिक उठाते थे जो भी ट्रेंडी टॉपिक था, और वो पूरा जो स्केच वर्ल्ड जो क्रिएट किया
TVF ने उस टाइम पे, वो बड़ी अच्छी चीज थी, वो बड़ी अच्छी अचीवमेंट थी हम सब लोगों के लिए उस टाइम पे, कि अगर कोई मुझसे पूछेगा कि कैसे क्रैक किया या कैसे हुआ, यहाँ तक कैसे पहुंचे, क्या है मंत्रा क्या है, तो यही किया तो यही मैं बता पाऊंगा कि बस हाथ पर चलाते रहो, कुछ तो क्लिक करेगा, कोई तो होगा जो तुम्हारा काम देखेगा, और किसी को तुम चाहिए होगे और उस टाइम पे तुम वहां पे अवेलेबल हुए तो वो चीजें वर्क कर जाएंगी तुम्हारे लिए। तो वैसा ही है, मतलब एग्जैक्टली जो जो लाइन बोली गई है पिक्चर्स में वैसा ही कुछ है। अच्छा, यू प्रिपेयर्ड फॉर IIT, तो आपने तैयारी कहाँ से की और कैसी रही आपकी तैयारी, वो जर्नी कैसी थी, प्रिपरेशन जर्नी? यार वो भी मतलब एक अलग जर्नी है, मतलब बेसिकली वो कोटा से ही मैंने तैयारी की, एंड फिर हाँ कोटा की जर्नी स्टार्ट हुई और काफी अलग थी, काफी काफी स्ट्रेसफुल थी। मतलब जो बेसिकली एक तो वो भी है यार, मतलब मुझे लगता है कि हर हर क्लास के बाद जो जंप होता है ना, लाइक 8th के बाद जो 9th आती है वो बहुत डिफिकल्ट लगती है, 10th के बाद जो 11th आती है वो बहुत डिफिकल्ट लगती है, 12th के बाद जैसे ही 10th के बाद जो 11th, बहुत बड़ा जंप है, तुम ग्रेजुएशन के लिए जाते हो, बहुत बड़े जंप हैं। तो वो भी मुझे लगता है कि वो भी भरना चाहिए विद टाइम, अगर उसमें पढ़ते हो ऐसे तो। नहीं। हाँ तो लगता था कि यार ये 10th में तो हम अच्छे मार्क्स आए हैं, तुम मतलब तुम टॉपर रहे हो अपने क्लास क्लास के, और ये सडनली ये ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें 11th में लंका लग जाती इक्वेशन है। नहीं हो रही है। हाँ मतलब तुम्हें मोशन समझ में नहीं आ रहे हैं और ये सारी चीजें कैसे समझ में नहीं आ रही, तो वो सारी चीजें फील हुई 11th में। तो 11th काफी डिफिकल्ट रहा, खूब रोते थे हम लोग, हर दूसरे दिन बैठ के रोते थे कि अरे यार कहाँ आ गए, इससे अच्छा आर्ट्स लेके यूपीएससी की तैयारी कर लेते, बाद में बीए कर लेते। तो ये सारे थॉट्स आते थे, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आता था कि ये कौन सी मैथ्स है, ये कौन सी फिजिक्स है। तो बट हाँ आफ्टर 2-3 मंथ्स मैंने डिसाइड किया कि अब करते हैं, अब बैठते हैं पढ़ते हैं भाई, वरना घर यहाँ से वापस नहीं जा सकते। बेसिकली जो मुझे सबसे अच्छी अच्छी उस टाइम पे एडवाइसेस जो मिली है वो यही है कि छोड़ के मत आना, मतलब इट्स ओके अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं बन पा रहे हो, फाइन, बट छोड़ के मत आना, एक बार ट्राई तो कर ही लेना। तो वो था कि यार अब छोड़ के तो जाएंगे नहीं, कर लेते, तो अब कर ही रहे हो तो कुछ पढ़ ही लो मतलब। तो उस वजह से फिर मैंने वापस से ट्राई किया और चीजें समझ में आने लग गई। तो 11th ऐसे स्ट्रगलफुल रही बट मार्क्स अच्छे आने लग गए विद टाइम। 12th फिर काफी चिल रहा, मतलब 12th में मतलब बहुत स्ट्रेस नहीं लेते थे हम, और 11th जितना जंप नहीं था तो उतना ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत टफ है चीजें। तो मजे से जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा था, मैंने हमेशा जितना क्लास में पढ़ाया जा रहा था उतना ही फॉलो किया, लाइक डीपीपी शीट्स, दैट्स इट। मैंने कभी भी अलग से बुक लेके वो नहीं पढ़ाई की, मेरा ये था कि हाँ जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो बस जेन्युइनली पढ़ते जाओ, उसमें मक्कारी मत करो, बाकी 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 सब देखते हैं क्या होता है। तो और हाँ, और बेसिक से समझने की कोशिश की सारे कॉन्सेप्ट, तो ऐसे ही निकलता गया टाइम, एंड मस्ती भी बहुत होती थी। मैं दोनों चीजें बहुत सही मिक्स रखता था, लाइक मेरा आई थिंक 2 to 6, 2 to 7 के आसपास क्लास होती थी हमेशा, ये वाला टाइमिंग होता था 2 बजे से 6 बजे के बीच में क्लासेस लगती थी। उसके अलावा लाइक 9 to 11 or 12 एक बार पढ़ता था सुबह उठ के, और एक सेशन लगाता था मैं आने के बाद 9 to 12। तो वैसा था दोनों टाइम, 9 to 12 पढ़ लिया अपना 4-4 घंटे, और फिर 12 से 3 बजे तक बहुत मस्ती करते थे, लाइक मतलब बाहर घूमना कोटा में, और मतलब पोहे जलेबी खाते हुए घूमना, चाय वाय पीना रात में जाके, ठीक है, और चाय पीते पीते कई बार रेलवे स्टेशन काफी दूर पड़ता है, जो तलवंडी एरिया है वहां से 15 किलोमीटर दूर है रेलवे स्टेशन, वहां पे पैदल निकल जाते थे, राइट राइट 15 किलोमीटर पैदल चल के आ गए, बिना चाय पीने गए थे बस। तो वैसी चीजें करते थे, तो काफी फन जर्नी थी। See, since now you are a very successful actor and I don't know how IIT helped you. हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता हो कि IIT खड़गपुर का Dramatics Club आपको help किया होगा, but आपको देख के, आपकी acting skills देख के मुझे लगता है आप IIT खड़गपुर में भी नहीं होते, कहीं भी होते, आप आज यहीं होते, हो सकता हो एक आध साल आगे पीछे कहीं होते। So हमारे बहुत सारे students आपको देख रहे हैं और हम सबको पता है कि IIT में selection last में इतनों का ही होना है और तैयारी इतने लोग कर रहे हैं, जो लोग नहीं सेलेक्ट होंगे उनके लिए क्या कहोगे आप? यार भाई तो एक छोटी सी मैं कहानी सुनाऊंगा इस पे, हमेशा मैं सुनाता हूँ, मैं बताता भी रहता हूँ बार बार। बेसिकली हमारे एक टीचर है कोटा में, CSS सर है उनका उनका नाम, तो वो फिजिक्स पढ़ाते थे, बड़ी अच्छी फिजिक्स पढ़ाते थे वो। और तो उन्होंने क्या किया कि बेसिकली लास्ट क्लास थी वो हमारी पूरे 2 साल की, 12th की लास्ट क्लास थी, और फिर बस हम लोग का 1.5 महीने बाद एग्जाम था जेई का।
तो उन्होंने पूरे टाइम ना मतलब बहुत ज्यादा मतलब फ्लॉन्ट किया कि वो आईआईटीएन है यार, आईआईटीएन की लाइफ ऐसी होती है, आईआईटीएन मतलब आईआईटीएन ही है सब कुछ, और अगर तुम आईआईटी में नहीं गए तो तुम मतलब बहुत बड़ा कुछ चीजें लूज कर रहे हो। तो ये सारी स्टोरीज उन्होंने 2 साल तक बहुत मोटिवेट करते रहते थे और बहुत सारी कहानियां सुनाते थे आईआईटी की, और बच्चों को भी लगता था कि मतलब आईआईटी और उसके अलावा तो मतलब सब बेकार, वैसा फीलिंग आता था हमें। बट जब वो लास्ट क्लास आई तो वो आए और उन्होंने बोर्ड पे कुछ ऐसे कुछ नहीं मतलब आए और उन्होंने ऐसे कुछ 50-60 लोगों के नाम लिखे जो कि बहुत बड़े नाम थे, जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ मचाया है, कुछ बड़ा किया है और बहुत अमीर लोग हैं एंड अपनी मेहनत से अमीर हुए हैं, वैसे लोग हैं, उन्होंने नाम लिखा नॉन आईटी। हाँ, एंड बोला कि ये सारे नॉन आईटीएन हैं। तो कभी भी मतलब मतलब सीखने को बहुत कुछ है, करने को बहुत कुछ है, और नहीं सीखे तो भी मतलब हम लोग कुछ ना कुछ कर लेंगे, वैसा नहीं है। बट हाँ, जो भी कर रहे हैं वही शिद्दत से करना बहुत जरूरी होता है और पूरी पूरी ईमानदारी से करना जरूरी होता है उस टाइम पे, मतलब जब जितना सा भी टाइम तुम कर रहे हो कोई भी चीज अपने पैशन के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए या अपने पैसे कमाने के लिए, जब वो चीज तुम उस मोमेंट पे तुम 100% दे सकते हो, भले वो कम टाइम हो, भले ही तुम 14 घंटे मेहनत ना कर रहे हो अपने पैसे कमाने के लिए, अपनी लाइफ चलाने के लिए या अपने पैशन के लिए, अगर 2 घंटे भी कर रहे हो बट वो 2 घंटे थोड़ा सा फोकस रहो, थोड़ा सा ईमानदार रहो, तो वो इनफ रहता है मेरे हिसाब से। तो वो बहुत जरूरी है और उसके लिए तुम्हें किसी टैग की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज अगर तुम्हें सीखनी है किसी टैग की जरूरत, किसी टैग की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम कहीं से भी हो सकते हो, तुम एक झोपड़ी से निकल के आ सकते हो, तुम एक बंगलों से निकल के आ सकते हो, तुम किसी एक अमीर आदमी के बेटे हो सकते हो, तुम एक किसी गरीब आदमी के बेटे हो सकते हो फाइनेंशियली, और तुम कैसे भी मैनेज कर सकते हो यार चीजें, और हो जाती हैं। और अगर नहीं भी हो तो हमें मतलब मुझे लगता है कि बहुत बहुत क्या बोलते हैं, हमें एज अ एक्सपीरियंस लेना चाहिए चीजों को, और बहुत ऐसा क्या बोलते हैं उसको, बहुत बहुत अटैच नहीं होना चाहिए, मतलब अगर कोई चीज नहीं भी वर्क कर रही है तो हमें कोई दूसरी चीज ट्राई कर लेनी चाहिए, कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो वो कई बार हम फंस जाते हैं कि अरे नहीं, अब मैं निकल गया हूँ तो बहुत प्रेशर है, बहुत लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे अगर मैंने ये फील्ड अब छोड़ा, तो मैंने 5 साल लगाए इस पे काम किया और नहीं वर्कआउट हो रहा है, और पता नहीं 50 लोग क्या बोलेंगे या 4 लोग क्या बोलेंगे। तो ये जो चीज है ना जो हमारे दिमाग से बड़ी बड़ी मुश्किल से निकलती है कि ये 4 लोग अभी हमारे बारे में क्या बोलेंगे, वो 4 लोग वो रिलेटिव्स बिचिंग करेंगे या बोलेंगे, तो ये दिमाग से निकालना बहुत जरूरी है हमें। मुझे पता है कि बहुत मुश्किल से निकलती है चीज, बट उतना कॉन्फिडेंस खुद पे रखना बहुत जरूरी है कि ठीक है यार मतलब ईमानदारी से दूसरी जगह फिर से एक एफर्ट करो। करेक्ट, हो सकता हो आप कुछ और करने के लिए बने थे ना लाइफ में। बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी चाहिए, मतलब जैसे ही मतलब बहुत ही स्टूपिड सी चीज मैं बोलूंगा, मतलब बचपन में मैं बहुत बहुत छोटा सा था मैं, और मतलब ऑफ कोर्स छोटा ही हूँ बचपन को, बट कुछ तो मैंने बहुत ऐसा मीन सा कमेंट कर दिया था कि मैं मतलब मेरे ताऊ जी मेरे साथ में थे एंड मैंने कुछ बोल दिया था कि मुझे तो कलेक्टर बनना है, मैं ये सब काम थोड़ी करूंगा, समथिंग लाइक दैट, कि मैं ठेला थोड़ी, मैं कुल्फी थोड़ी बेचूंगा, ठेला थोड़ी चलाऊंगा। ठीक है, वो तो सिखाया जाता है सब लोगों को। हाँ, देन ही सेड कि क्यों, मतलब काम काम होता है, ठीक है, तो यू नेवर नो कि तुम्हें कब कौन सा क्या काम करना पड़ जाए, सो डोंट अंडरएस्टिमेट एनीथिंग, और जो भी करो शिद्दत से करो, और किसी भी तो वो हमेशा से सिखाया गया है उल्टा मुझे कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, करते रहो, मतलब अगर तुम्हें मन कर रहा है कोई करने कुछ करने का तो कर लो, और पैसे कमाने के लिए तो खास कर, मतलब खुद का घर चलाने के लिए, खुद का पेट चलाने के लिए तो एनीथिंग, तुम कभी भी स्विच कर सकते हो, और कोई शर्म वाली बात नहीं है इसमें।